वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फोर मूवीज में। तो दोस्तों, मैं जानता हूं पिछले 3-4 घंटों में एक जो खबर है हिंदी ऑडियंस के बीच में, जो कि साउथ की फिल्में देखना काफी पसंद करती है, उनके बीच में एक जो खबर है आग की तरह फैल चुकी है। और ये खबर है कि विशाल की अपकमिंग फिल्म, जी हाँ दोस्तों, विशाल की अपकमिंग तमिल फिल्म जिसका नाम है चक्रा, जिससे पहले तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा जैसी चारों साउथ इंडियन भाषाओं में रिलीज करवाने की अनाउंसमेंट कर दी गई थी। इस फिल्म को लेकर ये खबर निकल के आ रही है कि इस फिल्म को अब हिंदी में भी रिलीज करवाया जाने वाला है। और इसी को लेकर एक जो पोस्टर है वो काफी ज्यादा वायरल हो गया है, जहां पर यहां पे इस पोस्टर में हमें देखने को मिल रहा है कि यहां पे फिल्म के हिंदी डब वर्जन का जो टाइटल है वो रखा गया है चक्रा का रक्षक। जी हां, तो टाइटल पे ज्यादा चर्चा ना करें तो ही अच्छा है, ऐसे ही टाइटल रखे जाते हैं। तो पर अब बात करते हैं कि आखिरकार ये जो खबर है ये सही है या गलत है, क्योंकि फिल्म के हिंदी में रिलीज होने की कोई भी अपडेट कहीं पर भी नहीं थी, कोई चर्चा भी नहीं थी, कोई हाइप भी नहीं थी हिंदी ऑडियंस के बीच में। तो अचानक से ये खबर कैसे निकल के आई, तो आपको मैं बताता हूं कि ये खबर किसी ने क्रैक नहीं की है। दरअसल अभी कुछ 3-4 घंटे पहले, आप जाकर ट्विटर पे चेक भी कर सकते हो, 3-4 घंटे पहले कोमल नाटा जी, जी हाँ कोमल नाटा को आप जानते ही होंगे, यूट्यूब पर रिव्यू वगैरह भी करते हैं, बहुत जाने माने ट्रेड एनालिस्ट भी हैं। तो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्टर पोस्ट किया था। जी हाँ, ये जो पोस्टर है दरअसल उन्होंने ही अपने ट्विटर अकाउंट पर इसे पोस्ट किया था, जहां पर कुछ भी नहीं लिखा है, ना कोई कैप्शन है, ना कोई हैशटैग है, ना ही किसी एक्टर को मेंशन किया है, ना ही किसी प्रोडक्शन कंपनी को यहां पर मेंशन किया गया है। पर यहां पर अगर हम पोस्टर पर ध्यान दें तो यहां पर बी फोर यू मोशन पिक्चर्स लिखा हुआ है। तो यहां पर ये पोस्टर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इस फिल्म को भी हिंदी डब वर्जन में प्रोड्यूस कर रही है बिफोर यू मोशन पिक्चर्स। तो अब देखो, ये न्यूज़ तो मैंने कहीं से निकाल के लाई नहीं है, सच बता रहा हूं, इसमें इस न्यूज़ में मेरा कोई हाथ ही नहीं है, क्योंकि अगर कोई फिल्म हिंदी में आती है या फिर किसी भी फिल्म के रिलेटेड कोई भी खबर निकालनी पड़ती है ना, उसके लिए काफी घंटे लगते हैं, काफी दिन लग जाते हैं, कभी कभी तो हफ्तों लग जाते हैं कंफर्मेशन करने के लिए। तो विजय द मास्टर के केस में तो चर्चा चल रही थी, जो काफी जगहों से कंफर्मेशन चल ही रहे थे, पर ये जो खबर है ये बिल्कुल अचानक से आई है। पर यहाँ पे कोमल नाटा ने पोस्ट किया है, तो इसको लेकर मेरा जो भरोसा है वो इसलिए है क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जब विजय द मास्टर की अनाउंसमेंट हुई थी, यानी कि मास्टर के हिंदी में रिलीज होने की जब अनाउंसमेंट की गई थी, तब उसके अनाउंसमेंट से पहले एक दिन पहले ही कोमल नाटा की जो वेबसाइट है filminformation.com, वहां पर जो है फिल्म को लेकर पहले ही पोस्ट कर दिया गया था, पहले ही आर्टिकल लिख दिया गया था। मतलब उन्हें पहले ही पता चल चुका था कि ये फिल्म हिंदी में आ रही है और पूरी तरह से कन्फर्म हो चुकी है विथ टाइटल। ओके, तो उस केस को ध्यान में रखते हुए मैं तो कहूंगा कि इस पोस्ट पर हमें भरोसा करना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें तब पता चल गया था तो शायद अभी भी उन्हें पीआर टीम या फिर प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा कुछ ना कुछ दिया गया होगा पोस्ट करने के लिए। और बिफोर इमोशन पिक्चर्स ही है जिन्होंने विजय द मास्टर को भी रिलीज करवाया था, तो ये जो पोस्ट है काफी रियल है। तो फिर भी मैं कहूंगा कि अगर ये खबर असली है, अगर ये खबर ऑफिशियल है, तो आने वाले दिनों में 2-3 दिन, क्योंकि फिल्म 19 तारीख को ही रिलीज हो रही है, अगर हिंदी को भी 19 तारीख को रिलीज करना है तो 2-3 दिन के अंदर अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी। तो मैं तो कहूंगा कि 2-3 दिन के अंदर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि क्या ये फिल्म हिंदी में आ रही है या नहीं। वैसे भी हम और आप हर कोई यही चाहेगा कि ये जो खबर है पूरी तरह से सच साबित हो, क्योंकि हम तो हमेशा से चाहते आए हैं कि फिल्में जो है हमेशा से डायरेक्ट रिलीज हो, यूट्यूब का इंतजार ना करना पड़े, टेलीकास्ट का इंतजार ना करना पड़े। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर हमें ऑफिशियली ये खबर सुनने को मिल जाए, क्योंकि अभी तक ना ही विशाल ने, ना ही विशाल फिल्म फैक्ट्री ने, ना ही फिल्म के किसी और एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर कहीं पे भी किसी ने इस चीज को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है, पर आ सकती है। दोस्तों, ये था मेरा ओपिनियन इस खबर को लेकर। उम्मीद करता हूं ये फिल्म हमें सही में हिंदी में देखने को मिल जाए 19 फरवरी को। दोस्तों, यहीं तक था आज का हमारा वीडियो, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।